जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी के पवित्र पावन दरबार में सबसे पहले गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, शत शत प्रणाम और सारी संगत जी को नमस्कार, जय गुरु जी। और आज सबसे पहले मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं सारी संगत जी को। और आज के दिन सूर्य देवता उत्तरायण हो जाते हैं, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है, तो बहुत ही अच्छा पवित्र समय होता है ये। एंड सिंस आई एम फ्रॉम अलाहाबाद, मैं प्रयाग से हूँ, जहाँ पे इस समय सबसे ज्यादा उत्तरायण का बहुत बहुत विशेष मतलब सेलिब्रेशन होता है। एक कुंभ का मेला है, एक माघ का मेला है, वो गंगा यमुना का जो पवित्र संगम तट है वहां पे वो लगता है, और एक बहुत आध्यात्मिक वातावरण हो जाता है, बहुत ही आध्यात्मिक वातावरण। क्योंकि ये जो पूरा समय है ये सिर्फ अपनी आत्मिक उन्नति के लिए, साधना के लिए, आध्यात्मिक चेतना को जगाने के लिए, इसके लिए इस्तेमाल होता है ये पूरा टाइम। और मैं चूंकि प्रयाग से हूँ तो वैसे ही दिस इज वेरी स्पेशल टू मी, वेरी क्लोज टू माई हार्ट। सो थैंक यू सो मच गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आज के इतने सुंदर पावन दिन पे सत्संग की सेवा बख्शने के लिए। सत्संग, गुरु जी ने कहा, करने वाले का कल्याण, सुनने वाले का कल्याण। ब्लेसिंग गुरु जी की दोनों तरफ चलती है, गुरु जी दोनों को ब्लेस कर रहे होते हैं, जो सत्संग सुना रहा है और जो सुन रहा है। और कितनी बार भी करें सत्संग, रिपीट कर करके भी गुरु जी सुनाने को बोलते थे, फिर से सुनाओ, फिर से सुनाओ, क्योंकि हर बार जैसे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, जैसे रामायण जी पढ़ते हैं, तो हर बार ब्लेसिंग मिलती है पढ़ने से। उसी तरह से सत्संग भी हर बार सुनने से, सुनाने से गुरु जी की उतनी ही ब्लेसिंग मिलती है। तो वो इस बात के लिए बहुत शुक्राना, धन्यवाद। सिंस आई मेंशन्ड अबाउट मकर संक्रांति एंड अलाहाबाद विच इज प्रयाग नाउ, जो प्रयाग नाम है, अब वो शिव पुराण में भी प्रयाग नाम से ही इलाहाबाद का जिक्र है शुरू के ही अध्याय में। और प्रयाग में अब मैं शुरू से अगर शुरू करूं कि गुरु जी कैसे हमें अपने से जोड़ते हैं, कब वो अपने इस फिजिकल फॉर्म में हमारे सामने मैनिफेस्ट होते हैं, ये सिर्फ हमारी आंखों के लिए है। अदरवाइज तो गुरु जी हमसे बहुत पहले से जुड़े होते हैं, गुरु जी ने हमको इम्प्रिंटेड किया होता है, अंकित चिन्हित किया होता है, और वो हमसे न जाने कब से जुड़े होते हैं। ये जब हमारे आंखों के सामने गुरु जी आते हैं अपने इस फिजिकल फॉर्म में, वो सिर्फ हमारे लिए होता है, हमारे को दिखाने के लिए होता है कि अब हम समझे कि गुरु जी ने हमें अपने से जोड़ लिया। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, ये बहुत ही, अब तो मैं सत्संग जब सुनती हूँ तो मुझे इतना आश्चर्य भी होता है कि अरे गुरु जी आपने ये कहा था, और ये तो मैं कर रही थी, मतलब कि आपने इसको जो आपने बोला वो मैं ऑलरेडी कर रही थी, और मुझे इतनी खुशी होती है अंदर से, जैसे कि गुरु जी ने, जब मुझे बाद में पता चला कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी ये बुक पढ़ने के लिए बोला। अब मेरे साथ क्या था कि मेरे फादर क्रिया योगी थे, वो भी डायरेक्ट डिसाइपल लिनेज में परमहंस योगानंद जी के, महावतार बाबा जी एंड परमहंस योगानंद जी। तो ऑब्वियसली मुझे भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था अध्यात्म में, फिर हाई स्कूल में ही मेरा क्रिया योग में इनिशिएशन हो गया, और ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी बिकेम अ लाइक इट वाज लाइक बाइबल टू मी, माय फादर गिफ्टेड दैट टू मी और कहा कि तुम इसको हमेशा अपने पास रखना और हमेशा पढ़ना। और वो मेरे लिए बिल्कुल जैसे एक होता है ना प्राइज्ड पोजीशन, वो मेरे लिए था। हमेशा उसको मैं पढ़ती थी, तो उसमें जिक्र आता था ये जो माघ मेला, कुंभ मेला इलाहाबाद में, प्रयाग में लगता है गंगा यमुना के पवित्र संगम पे, इसमें जो बड़े बड़े आध्यात्मिक सिद्ध पुरुष हैं और इवन देवी देवता, ये सब जरूर आते हैं। वो इतना पावन समय होता है, हमारे शास्त्रों में इसको बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है कि उस समय ये सारे उच्च उन्नत आत्माएं जो इस दुनिया में नहीं भी हैं, वो हमारे लोकों से बहुत ऊपर जो लोक हैं उनमें हैं, लेकिन इस टाइम पे वो जरूर उस पावन क्षेत्र में आके निवास करते हैं और रहते हैं, और अपने जो शिष्य होते हैं, भक्त होते हैं, वो उनको किसी न किसी रूप में दर्शन भी देते हैं और बहुत आशीर्वाद देते हैं। मुझे हमेशा से महावतार बाबा जी की तलाश रहती थी, तो इसीलिए मैं
ये जो कुंभ मेला होता है और गंगा स्नान होता है, मैं जरूर जाती थी। और गीता प्रेस की जो दुकान थी उससे शिव पुराण, माय फादर बॉट दैट एंड इवेंचुअली आई यू नो हैव दैट कॉपी ऑफ शिव पुराण विच इज वेरी ओल्ड नाउ, गीता प्रेस की। तो वहां पे जाके भी मैं ढूंढते रहती थी कि महावतार बाबा जी किसी न किसी रूप में होंगे, मुझे दर्शन दे दें। इतना ज्यादा मेरे अंदर था, उनके लिए बहुत तलाश थी। दूसरी चीज क्या हुई कि क्रिया योग में ध्यान को बहुत महत्व दिया गया है, तो ध्यान में बैठना मैं सीखने लगी थी। आई वोंट से आई बी यू नो डूइंग इट वेरी प्रॉपरली, लाइक इन हाई स्कूल यू डोंट डू दोस थिंग्स, ऐसा नहीं होता है, लेकिन स्टिल एक वो जो बीज था आध्यात्मिकता का वो पड़ चुका था। तो मैं ध्यान में बहुत बैठने लगी थी, अब तो वो पॉइंट कि मुझे बहुत दिव्य अनुभव होने लगे थे। कभी एक रोशनी लाइट दिखाई पड़ती है ध्यान में, एकदम जो ध्यान की गहन अवस्था होती है उसमें। तो धीरे धीरे करके फिर ऐसा होने लगा कि माई पेरेंट्स थॉट कि अब ये मतलब यू नो देर आर अदर थिंग्स ऑल्सो, यू हैव टू लिव योर वर्ल्डली लाइफ। तो वो सब फिर थोड़ा बैकसीट पे चला गया। आई गॉट मैरिड, अंकल बहुत अच्छे, बिल्कुल रैशनल माइंड, आईआईटी इंजीनियर एंड वेरी लॉजिकल साइंटिफिक पीपल। एंड आई डिड माई मास्टर्स इन क्लिनिकल साइकोलॉजी फ्रॉम अलाहाबाद यूनिवर्सिटी बिकॉज दैट वॉज माई एरिया ऑफ पैशन। तो जितना भी ये नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, पैरासाइकोलॉजी, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, ये सब मेरे बड़े फेवरेट सब्जेक्ट होते थे पढ़ने के लिए और रिसर्च करने के लिए। तो वी वर वेरी लॉजिकल रैशनल पीपल। अब क्या हुआ कि आफ्टर मैरिज आई वेंट टू यूके, लाइफ वॉज रनिंग वेरी वेल। लौट के आए और गुरु जी ने अपने पास बुला लिया। अब जब गुरु जी ने अपने पास बुलाया तो वो जो एहसास जो पहली बार हुआ ना, वो ये था दैट आई हैव कम होम, कि मैं मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया। जो मेरी तलाश थी, जब पहली बार मैंने बैठ के गुरुजी की तरफ देखा और पूछा गुरुजी से मन में, टेलीपैथी इतनी ध्यान कर करके, उसमें टेलीपैथी का भी बहुत मेंशन है और बहुत जिक्र है, तो उसको मैं थोड़ा बहुत अभ्यास किया हुआ था। और जैसे ही गुरुजी की तरफ देखा और मन में सोचा, गुरुजी हु आर यू, आप मुझे अपने जो आपका सत्य स्वरूप है, रियल स्वरूप है, उसको बताइए, हु आर यू, क्योंकि आप ये नहीं है ये जो आप यहाँ पे बैठे हुए दिख रहे हैं, आप सिर्फ ये नहीं है। आई नो दैट, मुझे पता है कि आप इससे हैं। तो महावतार बाबा जी जो आप मुझे दर्शन देने के लिए आ गए फाइनली, और गुरु जी ने अपनी उन इंटेंस नजरों से मेरी तरफ देखा, बस सारे सवाल खत्म हो गए। मुझे लगा कि हाँ, जो तलाश थी मेरी वो गुरु जी पे आके खत्म हो गई और गुरु जी ने मुझे ढूंढ लिया। कहां कहां से, किन किन जन्मों की यात्रा से गुरु जी हमें ढूंढ लेते हैं, ढूंढ निकालते हैं और अपनी शरण में बुला लेते हैं। ये एक इतनी बड़ी ब्लेसिंग होती है जन्म लेना सफल हो जाए। मानव शरीर बहुत बहुत मुश्किल से मिलता है। गुरु जी ने भी कई बार कहा था ये चीज कि तुम लोग नहीं जानते हो कितनी योनियों के बाद में ये मानव जीवन मिलता है। उस जीवन में अगर गुरु जी आपको अपने पास बुला ले, मतलब वो जीवन लेना ही सफल हो गया। तो गुरु जी ने हम सबको तो वैसे ही धन्य कर दिया है। गुरु जी लाइक आर टास्क इज ऑलरेडी डन। गुरु जी ने अपने पास बुला लिया, मतलब द जॉब इज डन। हमारे लिए अब सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य होना चाहिए जिंदगी में कि गुरु जी जैसे हमें चाहते हैं वैसे रखें, हम वैसे ही चले जैसे गुरु जी हमसे जो करवाना चाहते हैं। जैसे एम्पायर स्टेट भी उसके बाद से हर किसी का, एम्पायर स्टेट में जितनी संगत आती थी हर किसी का गुरु जी के साथ एक ना बड़ा पर्सनल प्राइवेट और बहुत इंडिविजुअल कनेक्शन होता था। तो दो संगत ऐसे हम दोनों के अपने साथ में, हम दोनों इक्वली जो एक कनेक्शन गुरु जी करते हैं वो बहुत डिफरेंस होता है। अंतर से गुरु जी बातचीत करते थे,
मजाक करते थे, गड़ी ले ली कल भी ले ले ऐसे, और स्माइल करते थे। मेरे साथ गुरु जी का मौन का संबंध था, सिर्फ हृदय में, दिल से दिल में, हार्ट टू हार्ट, कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। एक एक छोटी से छोटी चीज का गुरु जी इतना ध्यान रखते थे। आई टेल यू, एक एग्जाम्पल बताती हूँ छोटा सा, कि जब गुरु जी के यहाँ जाना शुरू किया था, आफ्टर फ्यू मंथ्स आई कंसीव्ड, तो थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी मैं गुरु जी के यहाँ जाती थी, और गुरु जी के यहाँ जब जाते थे बहुत आराम से वो समय बीता। धीरे धीरे एज यू एडवांस इन योर प्रेगनेंसी, ऑफकोर्स यू नो इट बिकम्स अ लिटल डिफिकल्ट फॉर यू उतनी आसानी से यू नो मूवमेंट करना, बट स्टिल गुरु जी के यहाँ जब मैं जाती थी और जब लाइन में लगती थी मथा टेकने की, गुरु जी गद्दी पे बैठे होते थे, और गुरु जी की एक बड़ी विशेष आदत थी कि वो जो पैर छू रहा होता था, गुरु जी के चरण स्पर्श कर रहा होता था, उसको नहीं देखते थे, जो लाइन में पीछे खड़ा होता था उसकी तरफ देख रहे होते थे। ये गुरु जी हमेशा करते थे कि वो उनकी नजरें, जब वो नजरें ऐसे उठाते अपनी, वो इतनी इतनी डिवाइन उनकी, इतनी दिव्य दृष्टि, वो जब अपनी नजरें उठाते थे तो जो लाइन में बिल्कुल पांचवें या छठे नंबर पे खड़ा है वो उसको ऐसे देखते थे, और उनको सब कुछ पता रहता था, सब कुछ पता रहता था इनसाइड आउट, कि आप कौन हो, रियल में आप क्या हो। यू कुड नॉट हाइड अ सिंगल थिंग फ्रॉम गुरुजी। वो ऐसी ऐसी बातें आपके बारे में बोल देते थे जो शायद आपके अलावा किसी और को नहीं पता होती थी। तो मैं भी उस दिन मथा देखने की लाइन में थी, और जब गुरुजी मैंने देखा तो एक चीज ऑब्जर्व की थी, आई वॉज इन माई लास्ट फ्यू डेज ऑफ प्रेगनेंसी, ऑफकोर्स आई वॉज लाइक यू नो वेरी हैवी दैट टाइम, एंड गुरु जी जब मुझे आते देखते थे तो मैं देखती थी वो धीरे से अपना एक पैर दूसरे पैर के ऊपर रख लेते हैं, ऊपर अपने नी पे, जैसे गुरु जी बैठते थे, तो मेरे लिए इतना आसान हो जाता था उनको झुक के पूरा बाउ डाउन करना, मथा टेकना, क्योंकि उनका पैर वो, उनका वो दिव्य चरण ऊपर रहता था और उसी के ऊपर मैं अपना मथा टिका देती थी, नॉट इवन विद माई हैंड्स बट विद माई फोरहेड मैं उनको प्रणाम करती थी अपना मथा टिका के। तो ये गुरु जी के कितने, कितना ध्यान वो रखते थे। एक बार क्या हुआ कि इन माई लास्ट फ्यू डेज ऑफ प्रेगनेंसी आई वॉज हैविंग अ लिटल डिसकम्फर्ट, बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं थी, लेकिन हाँ इट वॉज प्रिटी अनोइंग, लाइक बिकॉज ऑफ दैट आई वॉज नॉट एबल टू स्लीप एट नाइट एंड ऑल दैट। मैंने किसी को बताया भी नहीं था, लाइक फॉर मी ठीक है, बट इट वॉज रियली रियली ट्रबलिंग मी। मैं गुरु जी के यहाँ गई, उस दिन कोई नहीं था आसपास में, मैं ही थी, और जैसे ही मैं अंदर गई और मैंने गुरु जी के सामने जाके जैसे मैं मथा टेकने के लिए झुकने लगी, गुरु जी ने वही अपना गाल पे हाथ रख के एक मुस्कुराहट के साथ मेरे उस प्रॉब्लम का नाम बता दिया, एग्जैक्टली वही नाम बता दिया, और मैंने एकदम ऐसे चौंक के सरप्राइज होके ऊपर देखा, गुरु जी वो इवन दिस, आपको ये तक पता है मेरे बारे में, ये तो मैंने किसी को नहीं बताया है, ये प्रॉब्लम तो मैंने अंकल से भी नहीं शेयर की है। और गुरु जी ने ना सिर्फ बता दिया एक अपनी वही, जो गुरु जी के चेहरे पे एक बड़ी नटखट सी मुस्कुराहट रहती थी, जो आधी मुस्कुराहट गुरु जी के चेहरे पे और आधी छुपी हुई, आधी आधी आती हुई, वो इतनी दिव्य मुस्कुराहट होती थी उनकी, उसी मुस्कुराहट के साथ में जब उन्होंने मुझे ऐसे एक नजर देख के बता दिया, नीडलेस टू से नेक्स्ट डे से दैट प्रॉब्लम वैनिश्ड। जब मैं गई उसके बाद घर सुबह उठ के, उस प्रॉब्लम का कोई कहीं अता पता नहीं था। तो ये गुरु जी हैं जो आपके बारे में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर बात जानते हैं। तो जब उनको सब कुछ पता है हमारे बारे में, तो हम किस चीज के लिए मांगे और किस चीज के लिए गुरु जी से कुछ करने को कहें। मुझे गुरु जी ने जो शुरुआती दौर में अनुभव दिए उससे एक बात मेरे को साफ हो गई थी बिल्कुल। एक तो जो मुझे पहले मेडिटेशन में एक दिव्य अनुभव थे कि एक लाइट दिखाई पड़ती थी, वो गुरु जी के यहाँ जाते ही जब दरबार में बैठ के मैंने आंखें बंद की,
तो बिल्कुल वही लाइट और वही दिव्य अनुभव वापिस आ गया जो कहीं बीच में खो गया था। और जो सेम आध्यात्मिक अनुभव होते थे उससे कहीं ज्यादा वो मैनिफोल्ड बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई होके गुरुजी उसको मुझे वापस देने लगे। कितनी बार घर में ऐसे ध्यान में बैठे रहो और वही लाइट और गुरुजी का चेहरा, और मुझे समझ में आ गया वो लाइट कौन था, व्हाट वाज दैट लाइट, वो गुरुजी थे। और आज तक उसी लाइट फॉर्म में गुरुजी मेडिटेशन में दर्शन देते हैं। ही डजंट नीड अ फिजिकल फॉर्म, उनको फिजिकल फॉर्म की भी जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो फॉर्म उन्होंने हमारे लिए लिया, वो अपना फिजिकल फॉर्म हमारे लिए उन्होंने मैनिफेस्ट किया, क्रिएट किया। वो इस पूरे सृष्टि में जितने भी एटम्स हैं, पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर है, उन सबको रीअरेंज कर सकते हैं। तो उन्होंने वो करके अपने लिए एक फिजिकल फॉर्म ये हमारे आंखों के लिए बनाया। अभी तक जब भी गुरुजी ने ऐसा एक कनेक्शन डाला है कि मैं जब गुरुजी से कुछ बात अंदर से अगर कुछ थॉट है तो मैं अभी तक योगानंद जी के जो कोर्स आते हैं डेली कोर्स, उनको जब भी मैं अगर रैंडमली भी खोल दिया तो लगता है एज इफ गुरुजी इज टॉकिंग टू मी। जैसे अभी अभी कुछ दिन पहले ही आई वाज रीडिंग, उसमें था डोंट वरी इवन इफ आई कांट सी यू एंड यू कैन नॉट सी मी, आई एम एट अ डिफरेंट प्लेस कनेक्टेड टू यू वर्किंग फॉर यू एंड वॉचिंग ओवर यू। तो ये गुरुजी है, जिस लेवल पे आप कनेक्ट करना चाहेंगे, जिस ढंग से, ये मेरा बहुत अपना इंडिविजुअल पर्सनल एक्सपीरियंस है, आई एम नॉट सेइंग इट शुड बी जनरलाइज्ड फॉर एवरीवन, आई एम नॉट सेइंग एवरीवन विल हैव टू हैव दिस काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, ऐसा नहीं है। लेकिन जिस भी रूप में आप चाहेंगे, जैसे भी, बस उनसे जुड़ना है और कुछ भी नहीं करना है, उनके सामने सरेंडर कर देना है अपनी पूरी फ्री विल जो है वो उनके सामने सरेंडर कर देनी है, जैसा वो चलाए। जब दरबार में मैंने जाना शुरू किया उसके बाद से मुझे होश ही नहीं है कि मेरी लाइफ कहां से कहां गुरुजी अपने आप से नेविगेट करते चले गए और इवेंचुअली वट एवर ही हैज ब्लेस्ड अस विद, वी आर वेरी वेरी हैप्पी, कंटेंट एंड सेटिस्फाइड एंड इटर्नली ग्रेटफुल फॉर दैट। आज यहाँ पे यूएस में मैं देखती हूँ, डालस में, जब कोई भी गुरु संगत जुड़ती है, नई संगत जुड़ती है, तो उसको जब ये गुरुजी एक्सपीरियंस देना शुरू करते हैं एंड दे आर सो awestruck, दे आर सो सरप्राइज कि अरे हम तो अभी गुरुजी से जुड़े और गुरुजी ने हमको ये इतना बड़ा एक्सपीरियंस दिया। एंड दिस इज हाउ गुरुजी वर्क्स। कोई फर्क नहीं पड़ता टाइम का कि कब आए, कब जुड़े, ये सब तो सिर्फ दिखाने के लिए भ्रम है। सारा कुछ गुरुजी के हाथ में है, सृष्टि का पूरा समय चक्र। आज उत्तरायण के दिन भी सूर्य देवता के लिए भी गुरुजी ने कहा था, सूरज मुझे नमस्कार करके चढ़ता है, और वो सच है। सारे ग्रह नक्षत्र बड़े से बड़े गुरुजी को प्रणाम करते हैं। इसीलिए गुरुजी ने कहा कि यहाँ पे आते हो तो कोई और उपाय मत करो, कोई ग्रह नक्षत्र मत दिखाओ, कुंडली मत दिखाओ, कोई स्टोन्स मत पहनो, किसी और तरह के उसमें मत पड़ो। मेरी रेगी मास्टर कोई गुरुजी ने कहा था, छठ से पखंड है, जिसको बताने की जरूरत पड़ी उसको गुरुजी ने बोल के बताया, समझाया, जिसको उन्हें लगा कि बोलने की जरूरत नहीं है वहां गुरुजी ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि उनको पता था कि ये तो जैसे मैं चलाऊंगा बस ये चलते जाएंगे, इनका अपना रेजिस्टेंस कुछ है ही नहीं। एंड आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट ब्लेसिंग एंड लेसन आई हैव लर्न्ड, अपना रेजिस्टेंस, अपनी फ्री विल, अपना सब कुछ गुरुजी को समर्पित करने के बाद जो आनंद है ना, कि जैसे गुरुजी एक एक कदम आपका खुद से तय करते हैं, वो फिर कहीं और नहीं है। सो शुक्राना शुक्राना मालिक का। बहुत अच्छा लगता है जब सारी संगत बैठती है, सत्संग सुनते करते हैं, वो पूरा एम्पायर स्टेट का, बड़े मंदिर का, वो पूरा दौर वापस आ जाता है, शुरुआती दौर जो था गुरुजी के साथ में, क्योंकि गुरुजी एनर्जी है, गुरुजी लाइट है, वो कहीं भी हो सकते हैं। और जब सारी संगत बैठती गुरुजी का गुणगान करती है तो डेफिनेटली गुरुजी होते हैं। शिवपुराण में भी लिखा हुआ है कि जहां पे शिवपुराण का पाठ होता है वहां पे जरूर
शिव जी होते हैं, सारे देवी देवता होते हैं, सारे देवतागण वो शिव पुराण का पाठ सुनने के लिए आते हैं। तो उसी तरह से गुरु जी के सत्संग है, जहां पे भी होते हैं, दो संगत भी आपको उसमें बैठ के अगर गुरु जी का सत्संग कर रही है तो यकीन मानिए गुरु जी है वहां पे और सुन रहे हैं और एक एक शब्द आपका गाइड कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच गुरु जी फॉर ब्लेसिंग दीज ब्यूटिफुल मोमेंट्स टू ऑल द संगत, और सारी संगत जी को ऐसे ही ब्लेस करते रहिए, अपने चरणों से जोड़ के रखिए। एंड थैंक यू, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी।